वीर भगत सिंह एवं बाल विकास परिषद के सदस्यों ने बजरी पर प्रबंध लगाने के लिए दिया ज्ञापन। बताते चले कि वीर भगत सिंह एवं बाल विकास परिषद के सदस्यों ने बजरी रोको या प्रतिबंध लगाओ इस संदर्भ में जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया। एक हाथ पर काली पट्टी बांधकर यह विरोध जताया कि जिस प्रकार मंडल में एक बालक की मौत हुई वह मौत बहुत दर्दनाक थी एवं जहाजपुर में ऐसी घटना घटित हुई, इस संदर्भ में बालकों ने आक्रोश जताया और यह कहा कि बजरी माफिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए एवं जो व्यक्ति बजरी मंगवाने वह डलवाने का कार्य करते हैं उन व्यक्तियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। आज भगत सिंह दल एवं बाल विकास परिषद के सभी सदस्यों ने कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में ये बताया गया कि जिस तरह मांडल क्षेत्र जालसू क्षेत्र में घटना घटी हुई घटना बहुत दर्दनाक घटना थी, इसलिए हम ये बजरी माफे के खिलाफ ज्ञापन दिया जो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन पर पाबंदी लगा दी जाए। यदि पाबंदी ना लगा सके तो इनको खोल दी जाए जैसी दर्दनाक हादसा नहीं हो सके। बालकों की सुरक्षा के लिए भी हम कलेक्टर साहब को उन्होंने बताया कि बालकों की सुरक्षा के लिए भी आप कुछ करें और समाज के हित में, और जैसे हमने काला धागा बांध कर ये कहा कि हमने विरोध जताया कि हम सब एक होकर इसे लड़ेंगे और बजरी माफिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। मोहन पहाड़ी संस्थापक भगत सिंह दल। आज हमने यहाँ पर कलेक्टर महोदय से ये अपील की इस बजरी रेत पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ मांडल में एक भैया की मौत हो चुकी थी ट्रैक्टर से और बजरी रेत से, इसलिए हम अपील की इसको बंद करें बजरी रेत को, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। जो अभी ये काम चला है उन पे जो रेत डलवा रहे ठेकेदार उन पे भी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? किशन मेहरो।